वेलकम टू फ्लेवर कोस्टर। मैं हूँ गीता। गणेश चतुर्थी है ऑलरेडी, आज का दिन गणेश चतुर्थी का दिन ही है और गणपति में मोदक नहीं बनाए तो कैसे चलेगा। तो आज मैं आपके साथ मैंगो मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंगो का सीज़न नहीं है, मुझे पता है, मैंगो नहीं यूज़ किया है उसमें, मैंने मैंगो क्रश यूज़ किया है, फ्लेवर वही आता है, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पहले भी दो मोदक की रेसिपीज आपके साथ शेयर की है, आप चाहें तो उसे मैं उसके लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने मेजरमेंट्स के हिसाब से नहीं लिया है, मैं कप के हिसाब से लिया है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे तो एक जैसा नहीं होगा क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा लाइट होता है। तो जो मेरा मेजरिंग कप था वही मैंने लिया है। हाफ कप मैंने लिया है शुगर, 1 कप मलाई और 1 कप लिया है मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं आप मिल्क पाउडर, क्योंकि मिल्क पाउडर अगर 100 ग्राम्स होता है कप में तो ये 200 ग्राम्स हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो आप जो कटोरी या कुछ लेते हैं उसी का ही माप लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये लिया है मैंने मैंगो क्रश, मेरे पास ये माला ब्रांड का है, आप कोई भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा मैंगो का टेस्ट आ जाता है अच्छा। अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप ऑरेंज कलर ले लीजिए और मैंगो एसेंस डालेंगे तो भी वही टेस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, ऐसा मैंने एक ड्राई फ्रूट मिठाई भी बताई थी, उसमें मैंने ऐसे ही स्टेप्स बताए थे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये डाल देंगे, मलाई, मिल्क पाउडर। मलाई जो है वो आपको अगर निकाल के रखती हैं इतने दिनों की, तो आप ज़्यादा है तो आप फ्रीज़र में ही डाल के रखें, नहीं तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। ये सब तीनों इसको मिक्स कर देंगे हम लोग तीनों चीज़ों को और इसको हिलाएंगे, 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे रखना है, मलाई एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, आप उसको पहले ही निकाल के रखिए थोड़ी देर पहले, नहीं तो फिर वो बहुत होगी तो उसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी तो जल्दी हो जाएगी। इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है नहीं तो लम्स फॉर्म हो सकते हैं। ये देखिए अभी काफ़ी थिक हो गया है, इस स्टेज पे मैं ये डाल रही हूँ उसका जो मैंगो क्रश है वो हम डालेंगे इसमें, तो मैं दो से तीन टेबल स्पून डालूँगी, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। एक टेबल स्पून मैं और डाल रही हूँ, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा पतला था, ये थोड़ा थिक क्रश जो है वो आया इसका, ये भी हम डाल देंगे। 3 टेबलस्पून डाले हैं, अगर और ज़रूरत होगी तो हम और भी डाल सकते हैं। फ्लेम एकदम लो ही होना चाहिए, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और डाला तो टोटल 4 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है। थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा है तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कलर इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं येलो कलर डाल रही हूँ इसमें, मैं थोड़ा सा तो उसका ये कलर आ जाएगा ऐसा, ये देखिए कलर है ये। ऐसे ही मैंगो एसेंस भी आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंगो एसेंस, कलर और मैंगो एसेंस यूज़ करेंगे तो सेम वैसा ही लगेगा, मैंगो का टेस्ट भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। इसमें हम आधा चम्मच इतना घी डालेंगे, घी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पर क्योंकि मलाई से बना रहे हैं, पर थोड़ा सा वो अलग हो जाए बराबर से, घी डालने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंप जैसा फॉर्म होगा ना फिर हमारा हो गया, साइड छोड़ने लगेगा। बस ये हमारा हो गया है, ये अभी आपको लगता है ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट है लेकिन ठंडा होता है ना तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा वो ऐसे, और हमें बहुत हार्ड मोदक नहीं चाहिए तो हम अभी बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को और उसे ठंडा करने रखेंगे कि थोड़ा सा वो ठंडा हो गया तो थिक हो गया, लेकिन अभी भी गर्म है तो ये प्रॉपर शेप बनेगा नहीं, इसे हमें और भी ठंडा करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर और उसे जब बराबर ठंडा हो जाए तब हम इसका शेप बनाएंगे। ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, देखिए है ना काफ़ी ठंडा हो गया ना। अब इसमें ये जो हमारा मोदक बनाने का है इसमें हम थोड़ा सा अंदर घी लगा लेंगे ताकि वो चिपकाने, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके और ये जो है इसको हम अंदर रखेंगे, इसको अच्छे से पकड़ना है ऐसे
और इसके अंदर डाल देना है, पूरा इसको भर देना है, अच्छे से भरना है ताकि वो जो साइड का उसका शेप है वो अच्छे से आए। देखिए ऐसे अच्छे से हो गया, इसे बंद अच्छे से अंदर दबा दीजिए ऐसे, और उसको एक बार खोल के देखिए, अगर बराबर से शेप आ रहा है तो ठीक है। देखिए अगर ऐसा थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं बन रहा है तो आप थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख सकते हैं इसको और ठंडा होने के लिए, तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो अच्छे से शेप बन जाएगा। इसी तरह हम बाकी के भी बना देते हैं। ये हमारे मोदक रेडी हैं, अराउंड 10 मोदक बने हैं, वेट के हिसाब से देखेंगे तो 400 ग्राम जितने मोदक बने हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, मैंगो क्रश की जगह पे आपको और कोई स्ट्रॉबेरी है या ब्लूबेरी है, ब्लैक जो भी है, ब्लैकबेरी आपको जो भी पसंद है वो ऐड करेंगे तो वो फ्लेवर के मोदक बन जाएंगे। ओके, गिव इट अ ट्राई, हैव अ गुड डे, एंजॉय।